है गुड मॉर्निंग फैमिली मेंबर, कैसे हैं आप? और मैं वेलकम करता हूं मेरे और एक नए ब्लॉग पे। आपको मेरा ये टी शर्ट का कलर कैसा लगा देख के? अच्छा लगा जी हाँ। तो मैं कुछ बताना चाहता हूं। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने अपना वीडियो ग्रेन किया, उसको मैंने लाइव भी कर दिया, ठीक है। उसके बाद मुझे ना कंपनी से मैसेज आया कि आपको एक नया टी शर्ट, एक नया बैग और कंपनी की तरफ से रेनकोट दिया जा रहा है। आप जल्द से जल्द ऑफिस में आइए और अपना ये तीनों चीज़ों को कलेक्ट कर लीजिए। जी हाँ, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। बारिश भी पड़ रहा था तो मुझे रेनकोट की ज़रूरत थी, तो चले रेनकोट भी मिल गया। और देखिए नया बैग भी लेके आया हूँ। देखिए आपने मेरा वो बैग तो देखा होगा ना, काला रंग का, वो बहुत पुराना बैग था। अभी देखिए ये आ गया नया बैग और ये नया टी शर्ट। कैसा लगा? ऑरेंज कलर का टी शर्ट है, अच्छा लग रहा है। और रेनकोट भी मिला हुआ है, जब बारिश पड़ेगा मैं रेनकोट लगाऊंगा, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो मैं सुबह सुबह से बहुत बिजी हो गया था। अभी जस्ट मैंने अपना ब्लॉग को शुरू किया और मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बोला था कि मैंने अपना डिनर नहीं किया था, तो ऐसे ही सो गया। भूख भी बहुत लगा था, तो सोचा क्यों नहीं आज सुबह सुबह का शुरुआत काम करने से पहले अपना मैं नाश्ता कर लेता हूँ। तो अभी मैं नाश्ता करने के लिए आया हूँ, ब्रेकफास्ट। बहुत जल्दी आज नाश्ता कर रहा हूँ क्योंकि रात से कुछ भी नहीं खाया। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि आज मैं नाश्ता में क्या कर रहा हूँ, ठीक है? चलिए, ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, जैसे रोज़ रहता है डोसा। जी हाँ, या तो यही चलता है, या साउथ में ना आप लोग को ऐसे ही मिलता है और यही रहता है मेरा हमेशा का ब्रेकफास्ट, मेरा फेवरेट है, क्या करें। तो अभी का आज का ब्रेकफास्ट यही हो रहा है, चलिए इसको ख़त्म करते हैं। उसके बाद आपको पता ही है क्या करना है, ऑर्डर मारना है। चलिए तो दोस्तों बताना कमेंट करके कि आपको ये मेरा नया कलर का टी शर्ट कैसा लगा। अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तीनों चीज़ मिल गया जिसको मुझे बहुत ज़रूरत था। अब ये बारिश का सीज़न शुरू हो गया ना, आपको पता ही है बारिश शुरू हो गया, डेली बारिश पड़ रहा है। तो ठीक है चलिए, तो यहाँ रहा मेरा ब्रेकफास्ट, इसको ख़त्म करते हैं। अब मैं इसकी प्राइस बता देता हूँ। मुझे ये जो प्राइस पड़ा है ना, वो पड़ा है 2 डोसा ओनली फॉर 20 रुपीज़। जी हाँ, तो 2 डोसा मैंने 20 रुपीज़ का लिया है। अब इसको ख़त्म करते हैं और चलते हैं अपने ऑर्डर पे। मैं अभी यहाँ का मौसम के बारे में बताना क्या ही कहना, आज फिर से बारिश पड़ा है। देखिए ऊपर का मौसम आप देख सकते हैं, पूरा काला, देखिए वहाँ पे पूरा काला, मतलब यहाँ पे रोज़ बारिश पड़ रहा है, अभी तो रोज़ ही बारिश पड़ रहा है। फ़िलहाल ये इतना जो खूबसूरत मौसम हो रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, पर क्या करें, कितना दिन से सूरज भी उगा नहीं है ना। चलो कोई नहीं, ये मौसम को एंजॉय करते हैं। देखिए प्यारा सा काला बादल, नीचे ज़मीन में पानी और ये प्यारा सा चेहरा जो आप रोज़ देखते हैं। तो फ़िलहाल तो मैं अभी एक रेस्टोरेंट, अभी मैं एक कस्टमर का पे आया था अपने ऑर्डर देने के लिए, तो देना हो चुका है। और मैंने आपको बोला भी था कि जब मैं आपको मैं रेनकोट लगाऊंगा जो कंपनी से मुझे मिला है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए यही मिला है, तो कैसा लगा कमेंट करके बताना। रेनकोट यही मिला है मुझे ऑफिस से, ठीक है। तो ये पूरे स्टाफ को दिया गया है कंपनी की तरफ से, अच्छा लगा कि कंपनी ने रेन के टाइम में ये हमको रेनकोट गिफ्ट किया, तो अच्छा लगा। तो अभी यहाँ पर मेरा बैग कवर, वाटरप्रूफ कवर, जिससे मैं अपना प्रोटेक्ट करता हूँ मोबाइल का, ठीक है। और ये वाटरप्रूफ बैग और मैं और ये वाडिया। तो चलिए, तो अभी फ़िलहाल तो यही हो रहा है। लंच तो आज मेरा स्किप हो गया, मैंने वो जो ब्रेकफास्ट किया था उसके बाद तो बैक टू बैक ऑर्डर आ गया, मैंने किया नहीं। लंच तो टोटली स्किप हो गया। तो चलिए कोई नहीं, कुछ भी मैं खाता हूँ, कुछ भी करता हूँ, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जस्ट स्टेशन के बाहर में ना, भाई पेनली स्टेशन के बाहर में प्लेटफॉर्म नंबर 2 में, जी हाँ, पीछे का दरवाजे के सामने, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे भज्जी गरम गरम। फ़िलहाल तो मैंने देखिए यहाँ से एक भज्जी ले लिया है। चलिए इन चीज़ों को आनंद लेते हैं स्टेशन के अंदर में जाके, क्योंकि मैंने देखिए मैंने जो लिया है ना, मैं बता देता हूँ मैंने क्या लिया है। ये है एक पकौड़ा, जी हाँ, जो मैं बोल रहा था ये एक पकौड़ा है। ये 1 पीस 10 रुपये के लिए मिलता है, ठीक है, 10 रुपये। और ये है केला का भज्जी, जी हाँ केला, ये है केला, ये 10 रुपये में आपको मिलेगा 3। और ऊपर में आप देख सकते हैं चटनी। तो चलिए खाते हैं इसको। वाह, मज़ा आ गया भाई, स्पाइसी है चटनी,
चटनी में तो कीक के, केला का केला का भज्जी और इसमें रेड कलर का चटनी, हाँ हाँ टमाटर का चटनी है, इसमें स्पाइसीनेस तो भरा पड़ा है, बहुत भरा है। वाह मज़ा आ गया भाई, मैं और कुछ पूछ भी नहीं सकता। रेलवे ट्रैक, एक रेल फैन और उसके हाथ में ये बच्ची, मज़ा आ गया भाई। लाजवाब। आप ट्राई करते हैं एक पकौड़ा। अब मैंने ले लिया एक पकौड़ा, चलिए इसको खा के बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। भाई साहब लाजवाब, एक नंबर, एक नंबर भाई, आहा मज़ा आ गया। ये मुझे पड़ा 10 रुपीस का। हाँ अंतर मुक्त हो गया भाई खा के, मज़ा आ गया। तो काम करते हैं, अभी मैं जितना मेरा कुछ मैंने लिया हुआ है उसको मैं ख़त्म करता हूँ, तब तक मैंने कुछ शॉट्स लिए हुए, आप उसको एंजॉय कीजिए। काचीगौड़ा मैसूर एक्सप्रेस। तो कैसा लगा आपको वो शॉट्स और ट्रेन का स्किप, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए इस प्यारे से रेलवे स्टेशन को हम अलविदा कहते हैं। होप आपको ये छोटा सा क्लिप अच्छा लगा होगा। यहाँ पे आके मैंने भज्जी ट्राई किया, एक रेल फैन को इससे अलावा और क्या चाहिए बताइए। आपने कभी फील किया कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी चलते हैं ऑर्डर पे, अभी शाम का 7 बज चुका है, अभी ऑर्डर जल्दी आने वाला है मुझे, तो ऑर्डर करते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है। तो है जैसे कि मैंने बोला कि मैं भज्जी खा के मैं काम पर निकल जाऊँगा, जी हाँ उसके बाद तो मैं काम पर निकल चुका था। उसके बाद सुनिए क्या हुआ, जैसे मैं काम पे निकला, देखिए पता चल गया होगा, बोलने की ज़रूरत नहीं है, बारिश, इतना भयंकर बारिश पड़ रहा था भाई साहब, मैं क्या बोलूँ, रेनकोट लगाया, उसके बाद तो धनाधन धनाधन कंटिन्यूस 3 घंटा बारिश पड़ते गया। और अभी का जो टाइम हो रहा है ना, रात का 11:20 हो रहा है जी दोस्तों। तो अभी मैं पूरा भीग चुका हूँ, मेरा गाड़ी और देखिए मेरा टावर वगैरह सब भीग गया है भाई, सब भीग गया है। तो सोच रहा हूँ इस वीडियो को मैं इधर ही एंड कर देता हूँ, अब दिखाने का कुछ है भी नहीं। आप देख सकते हैं पूरा जगह में बारिश पड़ा हुआ है,
तो एक काम करते हैं, इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको दबा के इस फैमिली से जुड़ जाना और इस भाई को थोड़ा सपोर्ट कर देना, क्योंकि इस भाई के पास कोई अभी फ़िलहाल कंटेंट है ही नहीं जो आपको दिखा सके, पर कोशिश करेगा कि कंटेंट लेके आए और आपको एंटरटेन करे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। तब तक अपना ख्याल रखना। ठीक है, जय हिंद, जय कर्नाटका, बाय।